और राइट गाइस, तो ये है सी 5800 रुपए का आईफोन 7 प्लस जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे ऑर्डर करवाया था। जी के ऊपर आप देख सकते हैं, ये हमने ऑर्डर किया है कैसीफाई सुपरसेल ऐप से। आईफोन 7 प्लस 32 GB का वर्जन था, ग्रेड सी का था, जिसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन में 6227 रुपए। बट आप बोलोगे कि आप तो बोल रहे 5800 रुपए में, क्योंकि गाइस ये हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे ऑर्डर करवाया था। एंड जब भी हमारे सब्सक्राइबर हमसे ऑर्डर करवाते हैं तो मेरी ओर से अलग से उनको डिस्काउंट देता हूँ, तो मैंने उनको ये आईफोन 7 प्लस दिलाया सी 5800 रुपए में, जिसका आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। एंड देखते हैं कि कैसी भाई सुपरसेल ऐप से ये जो ग्रेड सी का आईफोन 7 प्लस है कैसा रहता है। पहले तो गाइस ये ना हमने कोई कॉपी स्क्रीन में ऑर्डर नहीं किया, तो देखने वाले स्क्रीन कैसा रहने वाला है, गेमिंग कैसा चलेगा, फ्री फायर BGMI सबको टेस्ट करेंगे, बैटरी बैकअप कैसा देगा वो सब कुछ हम टेस्ट करेंगे आगे। एंड बात करें QC रिपोर्ट की, देखो कैसी भाई सुपरसेल ऐप से जब भी आप किसी भी ग्रेड में फोन ऑर्डर करते हो तो QC रिपोर्ट देखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि QC रिपोर्ट में कंडीशन मेंशन होती है। तो इसके QC रिपोर्ट में क्या लिखा था, तो पहले तो इधर आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल स्क्रीन की कंडीशन रहेगी उसके ऊपर आपको माइनर स्क्रैच, मतलब कि थोड़े बहुत स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, माइनर डिस्कलरेशन, डिस्प्ले के अंदर येलो शैडो जैसा कुछ होगा, हल्का हल्का टीन होगा वो भी देखेंगे, बैटरी इन सर्विस, बैटरी फिजिकल जो कंडीशन है उसके अंदर आपको डेंट देखने को नहीं मिलेगा, बट बॉडी के ऊपर हमको मेजर स्क्रैच देखने को मिलेंगे। एंड इधर आप देख सकते हैं BC इमेज ब्लर लिखा है, मतलब कि जो बैक कैमरा रहेगा वो ब्लर देख सकते हैं। इधर दो ऑप्शन अवेलेबल थे, एक था विथआउट बॉक्स वाला एंड एक था विथ बॉक्स वाला, तो हमने इसको विथ बॉक्स के साथ ऑर्डर किया एंड हमको विथ बॉक्स भी मिला है। देख सकते हैं ओरिजिनल एप्पल का बॉक्स हमको देखने को मिला है, कंडीशन कुछ ऐसी है। तो अभी हम देखने वाले इस फोन की कंडीशन में कैसी पाई सुपरसेल ऐप से ये जो 6000 रुपए का फोन है, वैसे हमने हमारे कस्टमर को हमने इसको 5800 में दिलाया है, तो कैसा उनको रिसीव हुआ है सबको टेस्ट करने वाले हैं, कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, BC इमेज ब्लर था तो सही में ब्लर आया है फिर नहीं आया, वो सबको टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस चले करते इस आईफोन 7 प्लस की अनबॉक्स। ऑलराइट, तो कुछ ऐसी पैकेजिंग हमको मिलती है जब हम ओरिजिनल बॉक्स के साथ ऑर्डर करते हैं। चले निकालते हैं। ओके, तो पहले तो एक बड़ा सा रबर देखने को मिला है, जिसको मैं रबर को हटा लेता हूँ। एंड गाइस पैकेजिंग तो अच्छा किया है, नहीं हुआ। ओके गाइस, देख सकते हैं 5800 रुपए का आईफोन 7 प्लस कुछ ऐसी कंडीशन का है। वाओ गाइस, देख सकते हैं पूरा पैक टू पैक फोन। एंड ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड ये रहा हमारा डिवाइस। अच्छा तो लग रहा है, बाकी तो चलिए साइड पे रखते हैं। गाइस पैकेजिंग इस बार ना बहुत अच्छी करके दी है कैसी पावर ने। इसके अलावा बॉक्स के अंदर और कुछ तो देखने को नहीं मिलेगा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है एंड इसके अंदर कुछ नहीं है, देख सकते हैं। तो इसको मैं रख देता हूँ अंदर। एंड बात करें बॉक्स की कंडीशन, तो देख सकते हैं बॉक्स गाइस बिल्कुल लग रहा है कि अभी नया आईफोन 7 प्लस मैंने बाई किया ऐसा लग रहा है, बट नया नहीं है, पुराना ही होगा, बट कंडीशन इसकी बहुत ही अच्छी है, देख सकते हैं। बट बॉक्स की कंडीशन से ज़्यादा मैटर करता है हमारा फोन की कंडीशन, तो बॉक्स को रखते हैं साइड पे एंड देखते हैं कि हमारा 5800 रुपए का आईफोन 7 प्लस कैसा है। ओके गाइस, तो भाई साहब देख सकते हैं कंडीशन, तो मुझे तो ना ब्लैक कलर वैसे पसंद नहीं है, बट बात करो इसकी कंडीशन की तो अभी ये फ़ोन मेरा फेवरेट हो गया है। जी हाँ गाइस, देख सकते हैं ब्लैक कलर का आईफोन 7 प्लस 5800 रुपए का कितनी ही मस्त कंडीशन में हमको रिसीव हुआ है। जैसा कि मेंशन था QC रिपोर्ट में कि मेजर स्क्रैच हो गए, डेंट वेंट नहीं हो गए एंड कहीं से कलर भी जड़ा हुआ नहीं है। बैक पैनल देख सकते पूरा साफ सुथरा बैक पैनल है, एप्पल का लोगो देख सकते पूरा चमक रहा है एंड ये कैमरा लेंस के ऊपर भी कोई भी स्क्रैच नहीं है। फ्रेम बाय फ्रेम कंडीशन ओके है। बात करें इसकी स्क्रीन की कंडीशन, तो स्क्रीन भी गाइस देख सकते पूरा एक्सलेंट, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। चलिए मैं आपको फ्रेम बाय फ्रेम कंडीशन भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेम बाय फ्रेम कंडीशन की बात करें तो बटन सारे सही से प्रेस हो रहे हैं एंड कुछ कुछ जगह पे हल्के फुल्के कलर निकला हुआ है। एंड हाँ, स्पीकर ग्रिल के अंदर आप देख सकते हैं तो डस्ट देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं थोड़े बहुत पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स स्पीकर ग्रिल के अंदर, बाकी तो मस्त है, कुछ दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई ज़्यादा स्क्रैच या फिर डेंट हमको देखने को नहीं मिला। तो गाइस फिजिकल कंडीशन तो इस ग्रेड सी के आईफोन 7 प्लस की हमको बड़ी ही मस्त मिली है। चलिए अभी वक्त आ गया इस फोन को बोट करने का, देखते हैं अंदर की कंडीशन कैसी है। फिजिकल तो बहुत ही मस्त है बट अंदर की कंडीशन ज़्यादा मैटर करता है, तो मैं पावर बटन प्रेस करके देखता हूँ। ओके, एप्पल का लोगो तो आ गया है, वैसे स्क्रीन हमने कॉपी तो ऑर्डर नहीं किया, बाकी देखते हैं डिस्प्ले कॉपी मिला या फिर ओरिजिनल मिला है। अगर कॉपी आया तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। एंड फंक्शनल डिफेक्ट में मेंशन था कि बस इसका BC इमेज ब्लर होगा, बट इसके अलावा कोई एक डिफेक्ट निकला तो मैं इसको रिटर्न कर सकता हूँ। तो फिलहाल तो मैं इसका जो ये स्टिकर्स एंड बारकोड है इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, वैसे ये छेड़छाड़ मैंने नहीं किया, ये पहले से ही आया था, तो इसको मैं एक बार फिर से ऐसा कर लेता हूँ।
बाकी तो ये रिटर्न नहीं होगा। ओके, फोन हमारा बूट हो गया है, देख सकते हैं 20% चार्ज दिखा रहा है, तो फिलहाल चार्ज तो इतना है नहीं, बट फिर भी हम उसको थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। एंड गाइस पहले तो बात करें डिस्प्ले की, तो देखो ट्रू टोन तो आईफोन 7 प्लस के अंदर ट्रू टोन का फीचर होता ही नहीं, तो ट्रू टोन हमको देखना नहीं है, हमको देखना है इसका ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस लेवल गाइस बड़ा ही मस्त है, एकदम पीक ब्राइटनेस है, दिक्कत नहीं है, कलर्स भी बिल्कुल सही लग रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि स्क्रीन कॉपी है, बाकी आगे चेक करेंगे सारा टच रिस्पॉन्स वगैरह। तो जी हाँ, कॉर्नर टू कॉर्नर बिल्कुल सही से हो रहा है, उसमें दिक्कत तो नहीं है फिलहाल, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए इसका हम बैटरी हेल्थ टेस्ट कर लेते हैं, मेंशन था कि बैटरी हेल्थ, बैटरी जो रहेगा वो सर्विस रहेगा, इन सर्विस रहेगा, तो वो भी देख लेते हैं। बैटरी में जाएंगे, ओके बैटरी लिखा है सर्विस, बट बैटरी हेल्थ की बात करें तो है 75%। जब भी कैसीफाई सुपर सेल ऐप में बैटरी इन सर्विस लिखा होता है तो 80% से नीचे, मोस्टली 75 से 80 के बीच में ही बैटरी हेल्थ आपको देखने को मिलता है, तो हमें मिलना है 75% बैटरी हेल्थ। बैक करते हैं एंड साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं। चलिए तो मैं साउंड सर्च कर लेता हूं, तो देखा आपने स्पीकर तो इसका क्लियर वर्क कर रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं। अभी हम चेक करते हैं इसके बटन्स, तो ये रॉकर्स बटन, तो ये वॉल्यूम अप बटन, ये डाउन बटन जो कि बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है, पावर बटन भी बिल्कुल स्मूथ वर्क कर रहा है, होम बटन ये भी कर रहा है। एंड बात करते हैं इसका रिंगर की, तो ये रिंगर की बटन, तो ये भी बिल्कुल स्विच तो हो रहा है एंड वाइब्रेट भी हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है। इसका टच आईडी भी हम चेक कर लेते हैं, और एड गैस तो टच आईडी सेट हो गया। चलिए टेस्ट करते हैं, ये मैंने लॉक किया फोन को एंड मैंने इधर से टैप करूंगा एंड देख सकते हैं ओपन हो गया है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, जैसे मैं इधर से प्रेस करूंगा हल्का सा तो ये अनलॉक हो जाएगा, यही अगर मैं अदर फिंगर से करूंगा तो ये नहीं होगा, बट जैसे मैं ये फिंगर टैप करूंगा तो हो जाएगा, मतलब कि इसका टच आईडी भी बिल्कुल वर्किंग है। तो गाइस फिलहाल फंक्शनल डिफेक्ट कुछ भी देखने को नहीं मिला, बट मेंशन था क्यूसी रिपोर्ट में कि इसका ना जो बैक कैमरा होगा वो वर्क नहीं करेगा। तो चलिए अभी मेन चीज हम चेक कर लेते हैं कैमरास, तो मैं कैमरा ओपन कर रहा हूं एंड ये इसका गाइस देख सकते हैं रेयर कैमरा है, जो कि मेंशन था बैक कैमरा ब्लर रहेगा, बट गाइस फिलहाल तो कुछ भी दिक्कत देखने को नहीं मिला, कैमरा बिल्कुल वर्किंग है, देख सकते हैं पूरा क्लियर कैमरा है। मैं एक फोटो भी ले लेता हूं, देखते हैं क्या रहता है। तो देख सकते हैं फोटो मैंने लिया एंड बिल्कुल जी हाँ क्लियर, देख सकते हैं क्लियर इमेज आया है, ब्लर तो नहीं आया। बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल क्लियर है, उसमें भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, मैं आउटडोर में कुछ फोटो सैंपल एंड वीडियो सैंपल लेके आता हूँ ताकि हमको आइडिया लग जाए। राइट गाइस, तो ये है इस 5,800 रुपये के आईफोन 7 प्लस का रेयर कैमरे का वीडियो क्वालिटी, आप देख सकते हैं ऑटो फोकस कितना फास्ट हो रहा है एंड कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। एंड देख सकते हैं ये हमारी जो एक्टिवा है, एंड गाइस ये जो मैं अभी जो मैं कमेंट्री कर रहा हूँ ये इसी इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कि माइक्रोफोन क्वालिटी भी आप जज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी, तो ये इस आईफोन 7 प्लस का फ्रंट कैमरे का वीडियो क्वालिटी जैसा कि आप देख सकते हैं। राइट, तो मैंने इस आईफोन 7 प्लस को गाइस पूरा टेस्ट कर लिया है, देख सकते हैं मैंने स्टिकर एंड बारकोड को रिमूव कर लिया, क्योंकि गाइस मैं ना एक दिन से इस फोन को पूरा यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे पूरा वन डे यूज़ करने पर अभी इस फोन के अंदर कुछ भी फंक्शनल डिफेक्ट देखने को नहीं मिला। जी हाँ, कुछ भी मतलब कि कुछ भी नहीं, सारा कुछ मैंने टेस्ट कर लिया है। डिस्प्ले इसका बिल्कुल जेन्यून वाला फिलहाल तो मुझे लग रहा है, बाकी मैं लास्ट में इसका 3U टूल चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ, देखते हैं लास्ट में 3U टूल में कि जो डिस्प्ले है वो कॉपी है या फिर ओरिजिनल है। बाकी तो इसको मुझे डिस्प्ले जेन्यून ही लगा है, देख सकते हैं मैंने YouTube भी चलाया था, आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। मैं YouTube ओपन कर रहा हूँ एंड कुछ हम 4K वीडियोस चला के दिखाते हैं। एंड गाइस मैंने इसके अंदर जियो का सिम ऑलरेडी लगा दिया है, नेटवर्क में कुछ भी दिक्कत नहीं आ रहा, कॉलिंग वगैरह भी हमने टेस्ट कर लिया है, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, एंड इसका स्पीकर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लाउड स्पीकर के अंदर आपको डस्ट देखने को मिल जाएगा, बट स्पीकर की जो लाउडनेस है उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एंड इसका डिस्प्ले क्वालिटी आप देख सकते हैं, जैसा कि आप गाइस देख सकते हैं इस आईफोन 7 प्लस का डिस्प्ले बिल्कुल मस्त है, आपको वीडियो कंज्यूम करने में भी मजा आएगा।
ठीक है, प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। एंड गाइस बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो देखो मैं 1 डे यूज़ किया, मैंने थोड़ा BGMI भी टेस्ट किया, तो अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के दे रहा है। बट फिर एक हम टेस्ट कर ही लेते हैं, BGMI हम टेस्ट करेंगे, उसके साथ हम बैटरी भी टेस्ट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल इसका बैटरी देख सकते हैं 45% है, तो मैं नोट कर लेता हूँ। एंड टाइम हुआ है 8:20, तो चलिए एंड मैं अभी आपके सामने BGMI ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं इस iPhone 7 Plus के अंदर BGMI कैसा चलता है एंड बैटरी कितना ड्रॉप होता है, कितने मिनट हम गेम प्ले करते हैं उसमें। ठीक है, तो वैसे देख सकते हैं गेम तो बड़ा फास्ट ओपन हो गया है, मतलब कि इसका जो प्रोसेसर है वो बड़ा फास्ट काम कर रहा है। पहले तो इसका हम देख लेते हैं ग्राफिक्स। तो गाइस iPhone 7 Plus के अंदर आपको देखने को मिलेगा बाय डिफॉल्ट HD हाई, स्मूथ में आपको अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। गाइस पहले ना इसका जायरोस्कोप भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, एडवांस में जाएंगे तो देख सकते हैं जायरोस्कोप मैंने ऑलवेज ऑन किया है एंड जायरोस्कोप इसका एकदम स्मूथ वर्क कर रहा है, देख सकते हैं, मतलब कि जायरोस्कोप भी इसका वर्किंग है। चलिए तभी थोड़ा गेम प्ले करते हैं। तो गाइस पहले आप इसका देख सकते हैं कि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है, जो ग्राफिक्स निकल के आ रहे हैं डिस्प्ले में, तो कुछ एकदम क्लियर है डिस्प्ले एंड मस्त लग रहा है। एंड गाइस देख सकते कितना स्मूथ गेम प्ले चल रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है ये फोन। ऑलराइट गाइस देख सकते हैं गेम हमारा खत्म हो गया है एंड आपने देखा कि बिल्कुल स्मूथ गेम प्ले हो रहा है इस iPhone 7 Plus के अंदर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ब्राइटनेस भी ड्रॉप नहीं किया इस iPhone 7 Plus ने एंड इसका रीज़न ये है कि गाइस ये ना ये iPhone 7 Plus ओवर हीट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत वार्म हुआ है जो कि नॉर्मल वार्म तो होगा अगर आप BGMI जैसे गेम प्ले करोगे तो, बट ओवर हीटिंग मुझे देखने को नहीं मिला। एंड अभी वैसे भी मानसून है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो अभी तो वैसे भी ओवर हीटिंग तो नहीं होगी, तो अभी आप ये iPhone 7 Plus वगैरह ले सकते हैं, तो गर्मियों में आप ओवर हीटिंग शायद आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हम मेन पॉइंट जो कि बैटरी कितना ड्रॉप हुआ, तो देखते हैं। ओके अब 42% है एंड 45% था, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते 45% था एंड टाइम हुआ था 8:20 एंड अभी हुआ है टाइम 8:29, मतलब कि गाइस 9 मिनट गेम प्ले किया हमने। जी हाँ गाइस 9 मिनट हमने BGMI खेला एंड हमको ड्रॉप देखने को मिला बस 3 बार, कि क्लियर है कि अच्छा खासा बैटरी बैकअप निकाल के देगा ये iPhone 7 Plus, जो कि बहुत अच्छी बात है। 82% बैटरी हेल्थ है इसका, सेटिंग में आपने मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एंड उसके हिसाब से बैटरी बैकअप तो अच्छा निकाल के दे रहा है ना। एंड गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो देखा आपने कि 5,800 रुपये में हमारे सब्सक्राइबर के लिए हमने जो iPhone 7 Plus उनको दिलाया, कुछ ऐसी कंडीशन में उनको ये iPhone 7 Plus मिला। गाइस ग्रेट सी में ऑर्डर किया था कैसी भाई सुपरसेल ऐप से, इसलिए अभी वक्त आ गया है इस फोन को पूरा पैक करके भिजवाने का वक्त आ गया है। देख सकते हैं ये इस बॉक्स के अंदर आया था ये iPhone 7 Plus, तो इसी बॉक्स के अंदर मैं पैक करूंगा एंड ऊपर लेबल लगा के कस्टमर के होम एड्रेस पे ये भिजवा दूंगा, कस्टमर के पास 4 दिन में पहुंच जाएगा ये iPhone 7 Plus। एंड गाइस कस्टमर जो कुरियर चार्ज है वो भी मैं ही देने वाला हूँ, कस्टमर से मैं जो हमारे सब्सक्राइबर ने जो ऑर्डर करवाया था उनसे मैं 1 रुपया नहीं लेने वाला, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमको 5,800 रुपये जो पेमेंट किए थे उसी पेमेंट में से सारा कुछ इनका हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस 5,800 रुपये में ये iPhone 7 Plus की डील आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। एंड गाइस ये तो कुछ नहीं, अभी हमने और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डील ऑर्डर की है एंड आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग डील चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि आपको भी ऐसी इंटरेस्टिंग डील में दिलाने वाला हूं एंड टेलीग्राम पे हम ऐसे डील डालते रहते हैं। एंड गाइस चले मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।